सच्चा मोती पोहा टिक्की। इसके लिए चाहिए सच्चा मोती पोहा। एक कप सच्चा मोती पोहा 2 कप पानी में 10 मिनट के लिए भिगोकर रख दीजिए। भीगा हुआ पोहा पानी निकालकर अच्छे से मैश कर लें। इसमें 1 कप हरे मटर मिलाएं, 2 कप उबले मैश किए हुए आलू, 2 स्वाद अनुसार नमक डालें। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर अच्छे से मिलाकर स्मूथ मिक्सचर बना लें। मिक्सचर बनके तैयार है। अब 1-1 चम्मच लोई निकालकर गोल टिक्की बनाएं। इसी तरह से सारी टिक्कियां बनाकर रख लें। मैं टिक्की को चपटा कर रही हूँ क्योंकि मैं इसे तवे पर बनाने वाली हूँ। अगर आप कढ़ाई में तल रहे हैं तो फिर चपटा करना ज़रूरी नहीं है। एक तवे पे 2 चम्मच तेल गरम कर सारी टिक्कियाँ डालें। मंदी आंच पर कुरकुरा होने तक सेकें। सच्चा मोती पोहा टिक्की तैयार है।